पहला एक दिवसीय मैच था उसमें मुझे खेलने का मौका मिला था वो मैच था ब्लूम फाउटेन में और मुझे जब मैच शुरू होने वाला था उसके करीब आधा घंटा एक घंटा पहले मुझे बताया गया कि आप खेल रहे हैं जब चोट लगी मुझे उसके वजह से मेरा करियर एक तरह से ख़त्म हो गया फिर क्रिकेट सिर्फ एक फ़ेज़ है आपकी ज़िंदगी का उसके अलावा भी आपके पास और बहुत कुछ होने चाहिए आपके इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान की स्पेशलिटी रही उनके पेस बॉलर्स की कि उन्होंने ईजाद किया था ये रिवर्स स्विंग कराना और रिवर्स स्विंग जब आप करा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप गेंद को छिपा के लाएं। ये शोएब अख्तर भी क्या करते थे वसीम अकरम भी करते थे बक़ार यूनिस भी करते थे रिवर्स स्विंग कराने में उनको महारत हासिल थी और पाकिस्तान की एक और इजाद है ये टेप बॉल क्रिकेट खेलना स्लेजिंग जो है वो आपके जमाने में हुआ करती थी अब तो मैं एग्रेशन देख ही नहीं रहा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में मोहन खान हमेशा विकेट कीपिंग करते थे तो वो जो स्टंप माइक होता है ना स्पीट उसके तो ऊपर पैर रख के वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कराची में जो मुकाबला हुआ था वहाँ पर काफ़ी एक तरह की लड़ाई हो गई थी फिर बीच में आके सचिन तेंदुलकर ने आके इंटरव्यू इन क्या छोड़ दो होता रहता है और अंत में हम लोग वो मुकाबला जीत गए थे नमस्कार जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ इस शो में है एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम

और पहली बार जो इंडियन जर्सी पहनी थी आपने हाँ वो काफ़ी जमाना हो गया स्मृति <laughs> आपने याद दिलाया तो अब मेरे दिमाग में कई सारी बातें चल रही हैं कि उस दिन हुआ क्या था जी। अब ये दौरा था 1997 दक्षिण अफ्रीका का और दक्षिण अफ्रीका की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत थी उसके पहले हम लोगों ने तीन टेस्ट मैचज खेले थे और तीन टेस्ट मैच में हम दो शून्य से हार गए थे फिर उसके बाद एक दिवसीय श्रृंखला शुरू हुई थी और वो ट्राई सीरीज़ थी उसमें इंडिया जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका भाग ले रही थी और जो पहला एक दिवसीय मैच था उसमें मुझे खेलने का मौका मिला था वो मैच था ब्लूम फोन में जहाँ पर मेरा डेब्यू हुआ था और उसकी कहानी भी अलग है कि उस दौरे पर दो विकेट कीपर गए थे नंबर वन विकेट कीपर थे नैन मोंगिया और मैं एक रिज़र्व विकेट कीपर के तरह गया था उसके पैर जो टेस्ट मैचेस हुए तो उसमें मुझे खेलने का मौका मिला नहीं था और एक दिवसीय मैच में भी खेलने का चांस नहीं मिलता अगर नयन मोंगिया को चोट ना लग जाती अच्छा। और उनको चोट लगी मैच के एक दिन पहले और मुझे जब मैच शुरू होने वाला था उसके करीब आधा घंटा एक घंटा पहले मुझे बताया गया कि आप खेल रहे हैं अच्छा। तो सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि पहले से कुछ सोचने का आ, समय नहीं था पर बहुत ही शानदार लम्हा था वो मेरे लिए और बहुत ही आ, जिसका आदमी जब सालों साल से इंतज़ार करता रहता है कब मिले खेलने के लिए तो वो मेरी जो दिल की जो जो एम्बिशंस थे वो पूरे हुए थे उस दिन लेकिन आपका जो करियर है वो 1987 से शुरुआत हो 1989 से 1989 से आपका करियर शुरू हो गया था और फिर जो फाइनली आपका डेब्यू हुआ वो हुआ 1997 में और टेस्ट डेब्यू जो आपका हुआ था वो 2000 में हुआ था तो इतनी देरी क्यों हुई मतलब <laughs> 89 से 1997 फिर 2000 टेस्ट डेब्यू 1989 में बहुत शानदार टूर हुआ था मेरे लिए नहीं पर टीम के लिए टीम के लिए भी क्या कहेंगे शानदार 1989 का ज़माना था जब हम लोग गए थे वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए और उस समय वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत थी हमारे कप्तान थे दिलीप फिंगसाकर उस टीम में कपिल देव थे रवि शास्त्री थे तो हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी संजय मांजरेकर और हमारा मुकाबला हुआ था वेस्ट इंडीज़ की उस टीम के साथ जो जिस टीम में विव रिचर्ड्स थे मेलकम मार्शल थे ए एन बिशप थे कोटनी वॉल्स थे इस तरह के गेंदबाज थे बहुत ही स्ट्रॉग टीम थी वो तो वो हमारा पांच टेस्ट मैचेस हुआ था और फिर मुझे लगता है कि पांच एक दिवसीय मैचेस हुए थे और वो वो मेरे लिए टूर ज़रूर था पर वो एक तरह का क्या कहते हैं उसको कि टूरिज़्म था मेरे लिए क्योंकि मुझे मैच खेलने का मौक़ा मिला नहीं था हाँ वहाँ से वापस आ गए बहुत कुछ सीखने को मिला

और वो भी उसके पीछे भी कुछ अलग किस्म की कहानी है कि वो मुझे चोट लग गई थी आँख में और मेरी आँख की जो रोशनी है राइट आई की उसका विजन ख़राब हो गया था पर उसके बाद भी जब चूंकि मेरा नाम आ गया टेस्ट मैच खेलने के लिए तो मुझे लगा ये टेस्ट मैच खेल लेना चाहिए क्योंकि तब तक मेरी जो आँख की रोशनी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी तो मुझे लगा कि इसके बाद फिर से मौका मिलेगा नहीं आ, पर हाँ वो भी एक 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 बहुत बहुत बड़ा लम्हा था मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक गर्व की बात थी कि मुझे खेलने का मौका मिला टेस्ट मैच भारत के लिए अच्छा आप विकेट कीपिंग की बात कर रहे हैं तो अक्सर टीम में क्या होता है आप बैट्समैन भी थे और विकेट कीपर भी रहे हैं अच्छा बैट्समैन काफ़ी होते हैं और बॉलर्स काफ़ी होते हैं लेकिन विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में चैलेंज होता है कि एक ही विकेट कीपर होता है टीम में तो वो जो चैलेंज होता है टीम में वो कितना बड़ा होता है अपनी एक जगह बनाना एज अ विकेट कीपर टीम में इसीलिए बहुत कम कीपर्स को मौका मिल पाता है अगर आप आ, विकेट कीपर की लिस्ट देखेंगे जब से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू शुरू किया है तो बहुत कम विकेट कीपर्स आपको मिलेंगे और अगर एक कीपर सेट हो जाता है टीम में तो फिर उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है वो भी उस जमाने में जहां पर ज्यादा मैचेस नहीं हुआ करते थे अब तो चलिए टी भी शुरू हो गया है तो और ज्यादा प्लेटफॉर्म खुल गए हैं पर उस समय सिर्फ टेस्ट मैचेस होते थे और एक दिवसीय क्रिकेट होते थे और एक ऐसा कीपर जो कीपिंग के साथ साथ एक यूज़फुल बल्लेबाज भी हो तो फिर उसको रिप्लेस करना बड़ा कठिन हो जाता है तो मेरे साथ भी कुछ वही हुआ मेरे पहले भी, भी उस तरह के की कीपर्स आए थे किरमानी का नाम सुना होगा आपने उसके पहले फ़ारूक़ इंजीनियर साहब हुआ करते थे तो जब तक कि एक एक फेज़ ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही नए खिलाड़ी को मौका मिलता है किरी के बाद मुझे लगता है किरमानी के बाद मुझे लगता है किरण मोरे का का वो दौर आया था फिर नयन मोंगिया ने खेलना शुरू किया आ, बीच बीच में जब जब मौका मिलता तो फिर कई ऐसे कीपर्स को भी मौका मिला पर मुझे लगता है कि एक सेट कीपर अगर एक टीम को मिल जाता है तो टीम भी और कप्तान भी यही सोचने लगता है कि अब हमें इसी के साथ और आगे प्रोसेस करना चाहिए इसीलिए आपने सही कहा कि चूंकि ग्यारह में सिर्फ एक कीपर खेल सकता है तो वहाँ पर जगह बहुत कम रहती है चैलेंजिंग रहता है ये आपकी आई इंजरी के बारे में आप बता रहे थे तो क्योंकि इस जो हमारे शो का मकसद है वो हम बातें ही ऐसे करते हैं जर्नी के बारे में तो कई ऐसे पर्सनल टॉपिक्स भी होते हैं जिनको हम टच करते हैं इमोशनल टॉपिक्स होते हैं जिनको भी हम टच करते हैं 2000 में ये आई इंजरी आपको लगी थी बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था उसमें ये आपके करियर का टर्निंग पॉइंट क्योंकि शुरुआत 1997 में आपने अभी जर्सी पहनी ही थी आपने नेतृत्व आपने स्टार्ट करा ही था अपनी जर्नी फिर उसके बाद ये एक करियर एंडिंग जर्नी ये जो आपको इंजरी लगी क्या आपको लगता है कि अगर ये नहीं लगती या क्यों लगी कभी दिल में ऐसे ख्याल आते हैं आ, अब नहीं आते हैं मतलब मुझे लगता है कि जितना मुझे खेलने का मौका मिला आ, उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ मैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था हाँ ये बात अलग है कि जब चोट लगी मुझे उसके वजह से मेरा करियर एक तरह से ख़त्म हो गया फिर मैं आगे खेल नहीं पाया और तब मुझे लग रहा था कि आ, आ, मेरा करियर काफ़ी अच्छा हो रहा था टेस्ट मैच खेलने का मौक़ा मिला था और जब से मैंने खेलना शुरू किया है मेरे एम्बिशन यही था कि टेस्ट मैच मुझे खेलना है क्योंकि उस समय हमारे ज़माने में एक वनडे मैच बहुत कम हुआ करते थे तो हम सब लोग जो उस डेकेड के या फिर उस जनरेशन के क्रिकेटर्स हैं सभी को, को हमेशा ये लगता था कि मुझे टेस्ट मैच खेलना है तो टेस्ट मैच क्योंकि अब खेलने को आपको आपको मौका मिला उस समय चोट लग जाए तो खराब तो लगता है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं दो साल तीन साल और खेल सकता था वनडे क्रिकेट भी और टेस्ट मैच मैच भी क्योंकि उस समय एक स्टेबिलिटी आ गई थी टीम में मेरा प्रदर्शन भी थोड़ा स्टेबल हो रहा था मौके मिलने लगे थे तो वो एहसास था कि अगर और अगर चोट नहीं लगती तो फिर मैं एक दो साल क्योंकि उम्र भी मेरी हो रही थी पर दो तीन साल आदमी और खेल सकता है क्योंकि मैं उस समय फिट था पर ये जिंदगी का दस्तूर है और कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अचीव करनी होती हैं पर यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ आपकी फैमिली का रहना आपके फ्रेंड्स का रहना उसके साथ साथ स्मृति जो कि बहुत बड़ी बात है कि आपके ज़िंदगी में और क्या क्या इंटरेस्ट हैं उसको अलाइव रखना बहुत ज़रूरी है और जब मैं क्रिकेट खेलता भी था जब मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी था तब भी मुझे हमेशा ये लगता था कि क्रिकेट सिर्फ़ एक फ़ेज़ है आपके ज़िंदगी का उसके अलावा भी आपके पास और बहुत कुछ होने चाहिए आपके इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए तो मैं फॉर्चुनेट रहा कि मेरे पास और सब कई सारी चीज़ें हैं करने के लिए मैं कॉपोरेट एग्जीक्यूटिव था उस वक्त टाटा स्टील में काम किया करता था तो वहाँ पर मैंने समय बिताना शुरू किया मुझे और भी कई सारे अलग अलग किस्म के शौक हैं तो उन सब चीज़ों के वजह से ही मैं इस दौर से भी निकल निकल निकलने में मुझे सफलता मिली या निकल पाया जी क्योंकि ये सवाल इसलिए किया कि कई जो यंगस्टर्स हैं सूनर और लेटर क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि इस तरीके की इंजरी की वजह से करियर में एक ऐसा फुल स्टॉप या एक कॉमा लग जाए जैसे कि मैं ऋषभ पंत की भी बात करूंगी लास्ट ईयर उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ बेडरिडन रहे बहुत प्रयास रहे बी का सपोर्ट भी रहा अभी अभी भी है अभी भी है अब ऐसे में कितना ज़रूरी होता है कि खुद को संभाल करके रखना क्योंकि आप अपने करियर के टॉप पे होते हैं उस वक्त फिर ऐसा कुछ हो जाना जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं तो एक सेटबैक की तरह होता है बहुत बड़ा सेटबैक होता है इसी तरह जैसे कि मैंने कहा स्मृति बहुत ज़रूरी है कि आपके पास लाइक माइंडेड फ्रेंड्स होने चाहिए आपको सपोर्ट मिलना चाहिए एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजेशन का जो ऋषभ पंत के साथ इस समय हो रहा है उनका सही प्रकार से सर्जरी हुई है उसके बाद री हो रहा है जो बीसीसीआई सी सी ने नैशनल क्रिकेट एकेडमी स्थापित किया है बेंगलोर में वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पर वो री हो रहा है वहाँ पर कई बार भारतीय टीम जाती है वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए तो अपने पुराने दोस्तों के साथ कॉलिग्स के साथ उनको समय बिताने का मौका मिलता है वो उनका जोश बढ़ाते हैं बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा मोटिवेटेड फील करते रहें और ऋषभ को ही मालूम है कि एक बार वो फिट हो जाएंगे मैच फिट हो जाएंगे तो वो आसानी से टीम में वापस आ सकते हैं तो उस समय आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि ऋषभ बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं और मेरी बेस्ट विशेज हैं उनके लिए जल्द जल्द जल से जल्द वापस आ जाएँ ताकि भारतीय टीम को उनको ज़रूरत है हर एक फॉर्मेट में आ, हमारे ज़माने में उस तरह का सपोर्ट था, था नहीं वक्त बदलता है धीरे धीरे ऑर्गनाइजेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये एक ये एक ऐसा फेज़ है भारतीय क्रिकेट का जहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलत जो है वो दी जा रही हैं क्रिकेटर्स को जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जो जिस संस्था के लिए आप खेल रहे हैं वो संस्था जो है आपको पूरी तरह से ख्याल रखे जिस तरह से एक वर्ल्ड में होता है जो जिस जिस तरह से एक एक जो कॉपोरेट सेक्टर होता है जो ऑफिस बेरर्स होते हैं या फिर जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होते हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो जिस तरह से एम्प्लॉज का ख्याल रखते हैं कुछ उसी प्रकार से हर एक जो स्पोर्ट्स की भी संस्था होती है उसका भी काम यही है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जो आपके हैं, जो आपके क्रिकेटर्स हैं, उनका भी आप ख्याल रखें बी सी सी आई बखूबी निभा रहा है मगर आ, कभी ऐसा मन में आता तो होगा कि अगर मेरे अवेयरनेस होती कि इस तरीके से सपोर्ट मिल, मिल सकता था आपको भी तो चीजें कुछ डिफरेंट मेरी इंजरी कुछ अलग किस्म की थी मेरी इंजरी में ऐसा नहीं है मुझे सपोर्ट मिला नहीं मुझे बीसीआई की तरफ से ही मैं गया था चेन्नई के जो मशहूर आई हॉस्पिटल जब आपने सुना होगा उनके बारे में शंकर नेत्रालय वहाँ में रहा करीब एक महीना मेरा ट्रीटमेंट हुआ पर मेरी जो इंजरी थी वहाँ से आ, अब इसके अलावा और कुछ नहीं हम लोग कर सकते थे सब कुछ सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लोगों ने कंसल्ट किया मैं इंग्लैंड भी गया था ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ से भी बहुत कुछ आ, मैंने ट्रीटमेंट करवाया पर जो मेरी इंजरी है वो ऐसी इंजरी है जिसका जिसका अभी भी कोई उपाय नज़र नहीं आया है इस ज़माने में इतने साल गुजर गए हैं तब भी अभी भी उसका कोई आ, इलाज नहीं है hmm. तो ये अनफॉर्चुनेट है कि उस तरह की इंजरी हो गई है एंड एंड यू लर्न टू लिव विद इट राइट जो कि समय हो रहा है अच्छा आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि आपके टाइम पे बड़ा क्रेज था कि टेस्ट मैचेस खेले जाएं टेस्ट क्रिकेट में उतरा जाए क्योंकि वो एक कहते हैं ना असली जो आपका मेटल होता था वो बिल्कुल और क्योंकि आप जैसे टाइम बदल रहा है तो टी ट्वेंटी का लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट का ये जो चलन है बहुत कॉमन हो गया है अब ऐसे में आ, टेस्ट मैचेस के लिए जो अभी हमारा जो यंग ब्रिगेड है आपको लगता है उस तरीके से तैयार है टेस्ट मैच क्योंकि वो बहुत रिगरस गेम्स होते हैं कहते हैं कि दैट इज़ अ चेक ऑफ़ योर स्ट्रेंथ योर जील योर कैरेक्टर एज अ प्लेयर कि आप कितने बखूबी पेशेंटली उसमें आप अपने आप को टेस्ट मैच में आप अपने आप को साबित करते हैं वही लिमिटेड ओवर्स की अगर बात करें बीस ओवर का जो मैच है आपको लगता है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है जब टेस्ट मैच खेलने के लिए हमारा यंग ब्रिगेड उतरता है uh, दो चीज़ें हैं इसमें स्मृति इस uh, आपने सही कहा कि अब ये जो मॉडर्न जो क्रिकेटर्स हैं और ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक uh, अप्रोच uh, होना चाहिए खिलाड़ियों का कि टेस्ट मैच खेलना मल्टी डे क्रिकेट खेलना बहुत कठिन है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करना होता है उसके लिए आपको न्यूट्रिशन पर ध्यान देना होता है फ़िटनेस पर ध्यान देना होता है अपने स्किल को हमेशा आपको इम्प्रूव करना करना पड़ता है उसके साथ साथ कई सारे आपको सेक्रीफाइस करने होते हैं तो ओवरऑल वो एक पर्सनैलिटी चेंज की ज़रूरत होती है आपको टेस्ट मैच खेलने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए अब उसके लिए क्या ये मॉडर्न डे क्रिकेटर्स तैयार हैं कि नहीं वो सबसे पहला सवाल है और अगर तैयार हैं तो उसके लिए ये मॉडर्न डे क्रिकेटर्स क्या क्या कर रहे हैं कई ऐसे खिलाड़ी जिनको मैंने देखा है और मैं कभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ या फिर मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा हूँ अलग अलग रोल होता है हर एक खिलाड़ी का मॉडर्न डे क्रिकेटर्स में कई ऐसे खिलाड़ियों को ये लगने लगा है कि यह टेस्ट मैच खेलना बहुत कठिन है क्योंकि उसके पीछे कितने ज़्यादा सालों साल की मेहनत होती है उससे अच्छा है कि मैं लिमिटेड ओवर्स खेल लूँ क्योंकि टी में या फिर वन डे क्रिकेट में उतने ज़्यादा मेहनत तो होती है हर एक अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में आ, पर जिस तरह की क्वालिटीज़ आपको चाहिए होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्सीड करने के लिए टेस्ट मैच में उस प्रकार की क्वालिटीज़ की जरूरत नहीं होती है टी ट्वेंटी में या वनडे क्रिकेट में इसीलिए वो एक राह भी खिलाड़ियों ने ले ली कि भाई मैं टेस्ट मैच मुझे न, मुझे नहीं खेलना है मुझे सिर्फ टी ट्वेंटी खेलना है और वनडे क्रिकेट खेलना है और इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि अंत में खिलाड़ी को अपने, अपने अपने एबिलिटी के बारे में सोचना है क्या सोचना होता है क्या उसके लिए वो कैपेबल है कि नहीं अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे करियर लंबा करने के लिए टी ट्वेंटी और क्रिकेट ही काफ़ी है तो भी तो भी सही है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है के लिए बी के लिए हर एक क्रिकेट बोर्ड्स के लिए स्टेट एसोसिएशन के लिए कि आप किस तरह से खिलाड़ियों को डेवलप कर रहे हैं अच्छा एक और चीज़ जो देखी गई है अभी हाल फिलहाल में कि जिस तरह से आ, ये जो यंग ब्रिगेड है क्योंकि इसके बारे में बात हुई या मॉडर्न जो क्रिकेटर्स हैं उनमें देखा गया है कि मैनेजमेंट एक टाइम था जब स्पेशलिस्ट था को ही देखा जाता था स्पेशलिस्ट बॉलर या स्पेशलिस्ट विकेट कीपर या स्पेशलिस्ट बैट्समैन या इस बॉल को खेलने के लिए ऐसा बैट्समैन को हमको टीम में रखना पड़ेगा या ये अच्छा पेसर है या ये अच्छा स्पिनर है, अच्छा है लेकिन अब हम देख रहे हैं ऑलराउंडर्स को तो ये जो शिफ्ट है फ्रॉम स्पेशलिस्ट टू दल ऑलराउंडर्स इसको कैसे देखते हैं आप ये एक तरह से गेम जो इवॉल्व कर रहा है उसका नतीजा है इसमें थी और मैं कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूँ टेनिस में hmm. टेनिस में आपको याद होगा कि जमाना करीब 20-25 साल पहले अब बियन बॉग हो गए वो सिर्फ ही जीते थे ग्रास कोर्ट में फ्रेंच ओपन मुझे याद नहीं आ रहा है कभी वो जीत पाए होंगे तो अलग अलग अम, अ, कोर्ट्स uh, के लिए ग्रास uh, कोर्ट के लिए एक अलग तरह के स्पेशलिस्ट हुआ करते थे क्ले के लिए कुछ और अलग हुआ करते थे हार्ड सर्फिस यूएस ओपन जहाँ होता है उसके लिए कुछ अलग था ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए कुछ अलग था पर अब वो ज़माना बदल रहा है अब नोवा uh, जोकोविच हर एक ग्रैंड स्लैम वो जीत चुके हैं इसी प्रकार से क्रिकेट में भी वही हो रहा है कि ऐसे खिलाड़ी जो मल्टी डायमेंशनल हैं जो मल्टी स्किल हैं उनकी अब जरूरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है अब विकेट कीपर को ही देख लें अब वो सिर्फ आप अगर आप सिर्फ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हों तो आपको जगह मिलने वाली नहीं है एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को एक अच्छा बैटर भी होना बहुत जरूरी है अब तो कई ऐसे विकेट कीपर हैं जो अच्छे फील्डर भी हैं और अच्छे गेंदबाज भी बनते जा रहे हैं और मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ ग्लैन फिलिप्स का जो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं इस विश्व कप में भी वो खेल रहे हैं वो विकेट कीपर भी हैं बैटर भी हैं शानदार आउट भी हैं और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं तो अब इस तरह के स्किल की ज़रूरत होती है तो जो यंग पीढ़ी के जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनको भी ये मालूम है इसीलिए भारतीय टीम भी प्रयास कर रही है कि जो स्पेशलिस्ट बैटर है वो कम से कम एक बॉलर भी बन जाए ताकि कुछ ओवर्स भी वो डाल लें और आने वाले समय में ये दर्शा रहा है कि क्रिकेट कितना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है और बहुत ज़रूरी यंग क्रिकेटर्स के लिए कि वो जो एवोल्यूशन उसको वो समझें और उस प्रकार से आप तैयारी करें ताकि आने वाले समय में आपको मदद मिले और ज़्यादा तरक्की करने में अच्छा जो प्रेजेंट ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है और आप इसमें जुड़े भी हुए हैं आपका आपकी आवाज़ भी हमें कई 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 जगह पे सुनने को मिली है कमेंट्री में तो अभी तक जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप में इसको कैसे देखते हैं आप शानदार प्रदर्शन रहा है और मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ ये जो फॉर्म उन्होंने दिखाया है वो आगे भी चलता रहे क्योंकि स्मृति ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है बहुत लंबा टूर्नामेंट है बड़ा तो चलिए अलग बात है पर बहुत लंबा टूर्नामेंट है और मैं इसको हमेशा तुलना करता हूँ एक मैराथन से तो जिस तरह से एक मैराथन रनर को ठीक तरह से पेस करना होता है अपने फॉर्म को <coughs> ताकि जो अंतिम फेज़ आए उसमें वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा मेहनत करे सबसे तेज़ तेजी से भागे वही जीतता है तो भारत को भी कुछ वही प्रयास करना होगा भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि हमारे खिलाड़ियों को फिट रहना जो आपके मैच विनर्स हैं उनको फिट रखना आपके टॉप इलेवन खिलाड़ी अगर फिट रहेंगे तो निनिसदेह मुझे लगता है कि ये विश्व कप इस बार हम लोग ज़रूर जीत जीतने में हमें सफलता मिलेगी क्योंकि हमारी टीम का जो बैलेंस है जो कॉम्बिनेशन के साथ हम खेल रहे हैं भारतीय कंडीशंस में मैच हो रहा है वो कंडीशंस हमें सूट कर रहे हैं हमारे बैटर्स अच्छे फॉर्म में हैं हमारे गेंदबाज अच्छे फॉर्म में हैं इससे अच्छा मौका भारत के लिए फायदा अगर नहीं उठाया अगर तो नहीं उठाया तो फिर मुझे लगता है कि फिर बहुत लंबा हमें इंतजार करना पड़ेगा ये इस समय सब कुछ हमारे लिए सही हो रहा है तो बस उम्मीद यही और दुआ यही है कि यही हम लोग आगे भी करते रहे अच्छा लास्ट जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में अब जो मैच होता है और आपके टाइम पे जो मैचेस हुआ करते थे पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि इसमें तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जैसे कहते हैं पूरा देश यूनाइट हो जाता है ये मैचेस देखने के लिए तो अब जो मैच होता है और तब आपके टाइम पे जो मैचेस हुआ होते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट उनमें क्या डिफरेंस रहता था आ, उस समय मैच काफ़ी ज़्यादा होते थे पाकिस्तान के विरोध इसमें थी तो हाँ ये एक्साइटमेंट जरूर होता था दबाव भी रहता था जिस तरह से आ, आउटसाइड जो हम लोग कहते हैं बाहर की आवाज़ें होती थी वो भी बहुत सारे बहुत सारी आवाज़ें होती थी पर चूंकि उस समय सिर्फ दो ही मीडिया होते थे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स अब तो डिजिटल मीडिया भी आ गया है फिर वो व्हाट्सएप शुरू हो गए उस वजह से मुझे लगता है कि दबाव बढ़ता जाता है खिलाड़ियों के ऊपर और ये चैलेंजिंग टाइम है खिलाड़ियों के लिए तो आ, इस ज़माने में आ, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इस प्रकार के नॉइज़ को आप कितना जल्दी अपने दिमाग से बाहर रखें और सिर्फ मैदान के ऊपर अपने खेल के ऊपर फोकस करें ये सबसे बड़ा चैलेंज है उस समय चूंकि बहुत सारे मैचेस हुआ करते थे तो दबाव रहता था पर उस पर इस प्रकार का नहीं था जो इस समय इस समय होता है अब चूंकि बहुत कम मैचेस होते हैं तो फैंस भी यही चाहते हैं पूरा भारत वर्ल्ड जो यही चाहता है कि मैच जीतना बहुत जरूरी है और इस वजह से राइवलरी जो है हालांकि क्वालिटी में थोड़ी बहुत गिरावट आई है उस जमाने में जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स थे पाकिस्तान के उस समय सबके सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे मैच विनर्स कई सारे थे और उनका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छा हुआ करता था इस समय एक ऐसी टीम है जो अभी भी इमर्ज कर रही है पाकिस्तान अभी भी थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे हैं सही प्लेयर्स को चुनने में उनकी पहचान बनाने में थोड़ा समय लग रहा है आ, पर दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे तो भारतीय टीम में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया उस ज़माने से हमारे जमाने की भारतीय टीम और इस समय की भारतीय टीम में बहुत बड़ा अंतर है इसमें थी ये जो टीम है ये क्लास अपार्ट है जी हाँ हमारे वक्त में भी अच्छे प्लेयर्स हुआ करते, हुआ करते तो पर थे, पर इस तरह की बॉलिंग कॉम्बिनेशन इस तरह की बैटिंग कॉम्बिनेशन हमारे जमाने में नहीं थी तो मेरा तो ये मानना है कि हम लोग बार बार कहते आते हैं आपने कई सारे एक्सपर्ट्स को सुना होगा नहीं नहीं पाकिस्तान की टीम की क्वालिटी बहुत कम हो गई मैं तो ये कहता हूँ कि क्वालिटी कम इस वजह से हुई है क्योंकि हमारी क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है अच्छा एक और चीज़ थी जब आपके टाइम पे जब शोएब अख्तर बॉलिंग किया करते थे तो वो अपनी गेंद को अक्सर छुपा करके करते थे तो वो उनका जो तरीका है वो बड़ा उस चीज को अप्रिशिएट किया गया था वो क्योंकि उन्होंने ही ईजाद किया था वो तरीका उसके पहले ईजाद किया था पहले, उसके पहले वसीम अकरम ने किया था वक़ार यूनिस ने आजाद किया था उसके पहले इमरान खान ने आजाद किया तो उसके पहले सरफराज नवाज ने ईजाद किया था तो ये पाकिस्तान की स्पेशलिटी रही है उनके पेस बॉलर्स की कि उन्होंने ईजाद किया था ये रिवर्स स्विंग कराना और रिवर्स स्विंग जब आप करा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप गेंद को छिपा के लाएँ ताकि बल्लेबाज को पता ना चले कि कौन किस तरह बॉल मूव करेगी तो ये जो नए जो प्लेयर्स हैं जो पेस बॉलर्स हैं वो सब उन्हीं से उन्हीं वहीं से सीख के आ रहे हैं और पाकिस्तान की एक और ईजाद है ये टेप बॉल क्रिकेट खेलना जो तो टेनिस बॉल को टेप करके जो लोग खेलते हैं वो भी वहीं की, वहीं देन, की देन, है। देन है और ये सारे जो यंग पेस बॉलर तो पाकिस्तान के उन्हीं से सीख के आ रहे हैं तो ये शोएब अख्तर भी क्या करते थे वसीम अकरम भी करते थे वक़ार यूनिस भी करते थे रिवर्स स्विंग कराने में उनको महारत हासिल थी तो ये सारी चीज़ें उस उस जमाने की हैं जो इस समय के पेस बोलर सीख रहे हैं सीख रहे हैं hmm. लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि स्लेजिंग जो है वो आपके जमाने में हुआ करती थी जो इस जमाने में इतना बहुत ज्यादा तो... हुआ करती थी अब तो एकदम <laughs> खत्म हो गई है अब तो मैं एग्रेशन <laughs> देख ही नहीं रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया के मैच में उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस समय तो इतनी ज्यादा बहसा बहसी होती थी और स्लेजिंग हुआ करती थी कि मत पूछिए पर मैच खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा दोस्ताना था मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जाता है अब मोहन खान बहुत ज्यादा मोहन खान हमेशा विकेट कीपिंग करते थे तो वो जो स्टंप माइक होता है ना स्मिथ उसके ऊपर पैर रख के वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे <laughs> तो ये सारी चीज़ें होती थी आ, और पर मैच के बाद फिर ऑलवेज काफ़ी अच्छा माहौल रहता था मैच के बाद जरूर मिलना जुलना एक साथ बैठ के डिनर करना एक दूसरे के घर पर जाना ये सारी चीज़ें हुआ करती थी हम हम लोग तो नाइनटीन में पाकिस्तान का भी दौरा करके आए थे आ, वहाँ कराची में मैच था लाहौर में मैच था रावल हैदराबाद में मैच था पाकिस्तान के हैदराबाद में मैच हुआ करता था तो आ, वहाँ पे बहुत शानदार इस्तबाल भी हुआ था हम लोगों का मगर ऐसा कोई स्लेजिंग का इंसिडेंट जो आपको लगा लगे कि हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे अब मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था पर आ, मुझे याद है ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा हाँ, ड्रेसिंग रूम में एक कराची में जो मुकाबला हुआ था वहां पर काफी एक तरह की लड़ाई हो गई थी क्योंकि हम लोग पहले फील्डिंग कर रहे थे और स्टे, स्टेडियम से स्पेक्टेटर्स ने एक दो पत्थर फेंक दिए थे विनोद कामली फील्डिंग कर रहे थे डीप स्क्ग में कहीं पर वो पत्थर लेकर आए तो हम उस समय दो बैटिंग कर रहे थे इजमाम खान वो दोनों ने, ने कह दिया कि ऐसे ये सब बेकार की बातें हैं तीन चार ओवर और, और खेलना तो उनकी पोजिशन काफ़ी अच्छी थी तो वो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो गई थी तो फिर बीच में आके सचिन तेंदुलकर ने आके इंटरवीन किया अरे छोड़ दो होता रहता है आ, फिर हम लोग जब मैच जीत गए तब बहुत ज़्यादा हुआ था कि लाइट बहुत कम हो रही है मैच को ख़त्म कर देना चाहिए तब भी मैच होता रहा और अंत में हम लोग वो मुकाबला जीत गए थे मैं उस समय बैटिंग कर रहा था रॉबिन सिंह के साथ फिर मेरे बाद राजेश चौहान ने आकर वो छक्का लगाया था जिसके वजह से हम लोग मैच जीत गए थे जी। तो उस समय पेस बोलर्स वकार यूनुस सकलैन मुश्ताक मोइन खान सईद अनवर ये सारे थे उस समय आके कुछ ना कुछ बोलना कह रहे ये मैच नहीं जीत सकते हैं कैसे इंडिया से पाकिस्तान मैच जीतने नहीं देंगे ये सारी बातें होती थी मगर ड्रेसिंग रूम में ओवरऑल आप लोगों के आपस में कैसी रहती थी उस वक्त सचिन तेंदुलकर थे और आपका कैसा रिलेशंस सचिन बहुत अच्छा मतलब आ, मेरा दो दौर था सबसे पहले जो मैंने दौर किया था एटीन में उसके बाद वापसी हुई थी 97 में बहुत बड़ा अंतर रहा है ड्रेसिंग रूम के माहौल का उसमें थी और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ कि 1989 में कई बार मुझे लगा ये कि हम लोग एकजुट होकर खेलते नहीं थे आ, पर 97 में जब हम लोग जब मेरी वापसी हुई थी भारतीय टीम में तब मुझे ऐसा लगना ऐसा लगने लगा था कि हर एक जो फिर खिलाड़ी है वो मैच जीतने के लिए मैदान में उतर रहा है सचिन तेंदुलकर कप्तान थे उसके बाद सौरव गांगुली कप्तान हुए तो एक ऐसा दौर दौर था जहाँ पर राहुल द्रावे अनिल कुंबले श्रीनाथ वेंकटेश प्रसाद इस तरह के खिलाड़ी टीम में शामिल हो गए थे और सभी की कोशिश यही थी कि हम लोग को इम्प्रूव करना है और हमें मैच जीतना है चाहे वो इंडिया में हो या या फिर बाहर हो तो नाइनटी से ऑनवर्ड मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है भारतीय टीम में बहुत अच्छा लगा सब आप आज आए टाइम निकाल करके और बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि एक एपिसोड में छोटे से एपिसोड में हो नहीं पाएंगी आपके साथ और भी बातें करनी होंगी तो वो अलग एपिसोड्स रहेंगे लेकिन आप आ जाए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सच अ प्लेजर ऑलवेज एनी टाइम फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार